मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फिफ्थ। अपन पढ़ रहे थे संज्ञा। क्या पढ़ रहे थे? संज्ञा। तो संज्ञा में अपन ने पढ़ लिया था कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो आज अपन पढ़ेंगे संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार, तो संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? तीन प्रकार होते हैं। संज्ञा के तीन प्रकार होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, सेकंड है अपना जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, और थर्ड है अपना भाववाचक संज्ञा। तो संज्ञा के कितने प्रकार हो गए? तीन प्रकार हो गए। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा। तो पहला आता है अपना व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस सबसे, जिसे जिस सबसे किसी विशेष व्यक्ति स्थान या वस्तु का बोध होता है, या वस्तु का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राकेश, राधा, उदयपुर, हिमालय, ताजमहल आदि। तो देखो, जिस सबसे किसी विशेष व्यक्ति स्थान या वस्तु का बोध हो रहा है, भाई व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या हो रहा है कि जिस सबसे किसी विशेष व्यक्ति, विशेष का नाम आ गया, देखो किसी विशेष व्यक्ति स्थान या वस्तु का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ताजमहल, तो ताजमहल क्या है? एक स्थान है और विशेष स्थान है। हिमालय है, राकेश है, किसी का नाम है, व्यक्ति का नाम है राकेश, विशेष व्यक्ति का नाम है राकेश है। जैसे राधा है, उदयपुर है, स्थान है, उदयपुर क्या है? स्थान है। अब जैसे वस्तु जलेबी, जलेबी क्या है? देखें वस्तु है, तो विशेष जलेबी, विशेष नाम है, नाम दिया गया है कि जलेबी है ये, तो किसी विशेष, विशेष जुड़ गया। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या है? किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राकेश, राधा, उदयपुर, जलेबी, हिमालय,
ताजमहल, तो ये सब के सब कौन किसके उदाहरण है? व्यक्तिवाचक के उदाहरण है। इसी प्रकार अगला आता है अपना जातिवाचक संज्ञा और फिर आता है भाववाचक संज्ञा। तो आज अपन इतना ही पढ़ेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको याद होना चाहिए कि संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के तीन प्रकार होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा। तो अपने उनमें से पहला पढ़ा है अपने व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? जिस सबसे, जिसे सबसे किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राकेश, राधा, उदयपुर, हिमालय, जलेबी, ताजमहल आदि, ये सभी के सभी किसके उदाहरण हो गए? व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हो गए। इसके अलावा अपन कल पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। यही आपका क्या है? CW है, तो यही अपना क्या रहेगा? होमवर्क रहेगा। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।